हेलो गाइस, तो आज हूँ अपने होम टाउन में और मैं निकला हूँ एक छोटी सी जंगल सफारी पे। और जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ व्यूज, नज़ारे अल्टीमेट। लुक एट दिस गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और हिमालय भाई साहब क्या लग रहे हैं। चलते हैं हम अपने सफर पे हल्के हल्के। वैसे तो मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ नीचे से, वो नीचे हमारा घर है, बट मैं ब्लॉग स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ अपना। तो चले, मैं अकेला हूँ और साथ में मैंने बोला था लोगों को आने को, कोई आया नहीं मेरे साथ। चलो लेट्स सी व्हाट हैपन। फोटोग्राफी का कीड़ा आपको कहीं भी ले आ सकता है। सांस चल रही है बहुत तेज और मज़ा आ रहा है। लेकिन सामने सारा फॉरेस्ट एरिया है, हमें जाना है वहाँ। और भाई सब व्यू देखिए आप, यह है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। और यह है पूरी रामगढ़ वैली। ये उमागढ़ गांव है, ये रामगढ़ है, ये महादेवी साहित्य संग्रहालय दिख रहा है जो ये है, और ये हमारा घर है, और ये गागर, ये गर्गांचल शिव जी का मंदिर, पीछे वंदेवी माता का मंदिर, और वो सामने रानीखेत, और वो रहा सामने अल्मोड़ा, और ये नंदा देवी पंचाचूली। जो नज़ारे दिख रहे हैं ना, सूरज की किरणों में जंगली फूल क्या चमक रही थी। तो अभी हम फॉरेस्ट के अंदर इंटर कर रहे हैं, आपको यहाँ पर कुछ जंगली जानवर भी दिख सकते हैं। मैं बात करता रहूँगा क्योंकि मैं अकेले हूँ और मुझे भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि अब यहाँ कोई आता जाता है नहीं। जंगल में हम लोग होते थे पहले तो यहाँ बराबर आते जाते थे, अब कोई नहीं आता। बड़े बड़े झाड़ हो गए, पहले जंगली रास्ता हुआ करता था छोटा सा, पगडंडी हुआ करती थी, लेकिन अब जंगली जानवरों के चलने के कारण कुछ रह नहीं गया यहाँ पे। सांस चल रही है बहुत तेज क्योंकि मैं पहाड़ी पर चढ़ा हूँ और अब चलने की इतनी हैबिट है नहीं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये गाइस पूरा फॉरेस्ट एरिया, नेक्स्ट लेवल है बॉस। देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा है झाड़ों के बीच में, इतने बड़े बड़े झाड़ हो रहे हैं। ओह माय गॉड, तो निंगाल बोलते हैं हमारे वहाँ, काइंड ऑफ बांस पहाड़ों पर होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, हाइट में जो जंगल होते हैं। ज़्यादा बोलूँगा नहीं, नज़ारों को मजा लीजिए क्योंकि सांस बहुत तेज चल रही है। ओह माय गॉड, मुझे थोड़ा हल्की हल्की आवाज़ भी करनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, तो मैं बैठ गया हूँ गाइस और देखिए टाइम देखिए 9:38 और यहाँ अभी धूप ही नहीं आई है। उधर की साइड तो आ गई उस पहाड़ी पे, इस पहाड़ी पे भी धूप है ही नहीं। ओह माय गॉड, सांस बहुत तेज चल रही है। नज़ारे
तो फोकस नहीं हो रहा, मैं दिखाता हूँ कहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ पे फोकस नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, देखिए सर मेरे सामने कोई जानवर है, देखते हैं आगे चले। कुछ भागा अभी, अभी अभी कुछ भागा है। अलर्ट रहना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन और लोगों को दिखाना भी जरूरी है। वो भी भागा यहाँ से कोई, हिट सिट ये देखिए ऐसे पेड़ गिरे में। ओह माय गॉड, वो भी भागा है कुछ। सुनिए, मैं उस व्यू पॉइंट पर आ गया हूँ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। ये रहा व्यू पॉइंट, जंगल के बीच में एक छोटा सा खुला हिस्सा, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आओ तो क्या व्यूज होता है जब सनराइज होता है सामने से ना, रेडी अल्टीमेट। बट अभी भी काफ़ी अच्छे व्यूज हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस गाइस, अल्टीमेट। वो सामने आपको दिख रहा भीमताल, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये रागा भीमताल, इसके पीछे नीचे हमारे हल्द्वानी का पूरा शहर। ओह माय गॉड, और ये पूरा डीप फॉरेस्ट एरिया बस, और बीच बीच में छोटे गांव। यही व्यूज दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ अकेला चल के। ओह माय गॉड, अब आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा था, कि मैं बहुत ही डीप फॉरेस्ट एरिया में जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर ह्यूमन बहुत रेयरली आते हैं, जो मेरे जैसे कोई ट्रैक व्रैक करने आ गया, अदरवाइज कोई भी नहीं आता। तो ऐसा कुछ व्यू था बस, और इस साथ ही बैक साइड का एरिया है पूरा, दिस इज ऑल्सो वेरी डीप फॉरेस्ट। ओह माय गॉड गाइस, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। टाइम तो मिलता नहीं है बस, कभी कभार हम अपने होम टाउन आते हैं तभी कुछ कुछ स्टेप तो कर पाता हूँ, बट नीड योर सपोर्ट ऑल्सो। लुक एट दिस गाइस, अल्टीमेट व्यू। बट यहाँ पर कैंपिंग हो सकती है बस, कभी हम करना चाहें तो, लेकिन उसके लिए मेरे जैसे थोड़ा सा हटेरे लोग चाहिए पड़ते हैं, यहाँ आने को कोई तैयार नहीं होता। और यह रात यहाँ पर निकालना, ओह माय गॉड, नेक्स्ट लेवल। बट मैं अरेंज करूँगा दो तीन लोग अपने साथ, ऐसे अपने जैसे जो मेरे साथ यहाँ रात निकाल सकें। लुक एट दिस गाइस, ओह माय गॉड। चलो भाई, आई सब इस जानों को विदा करने का टाइम आ गया है, थोड़ा बहुत फोटोज क्लिक करी यहाँ पे लैंडस्केप, देन वी कैन लीव। घर जाके बहुत सारे काम करने हैं, चलते हैं वापस। लेट्स गो, बूम। ये देखिए बस, जंगली सूअर ने कैसा मिट्टी को खोद खोद के
बुरा हाल किया हुआ है। फिर मैं अभी आपको एक जगह और लेके जाने वाला हूँ, थोड़ा फिर चढ़ना पड़ेगा उतरने के बाद। वहाँ पर एक पुराना शिव मंदिर है जहाँ पर हम लोग आके पूजा वगैरह किया करते थे। अभी तो आना बहुत कम हो गया है, लेकिन हाँ, और वहाँ पर एक पुराना टावर भी हुआ करता था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, और वो लोग यहाँ पर जब समर टाइम पर फायर का प्रॉब्लम होता था तो वे लोग इधर से चारों तरफ देखते थे कि किधर ही फायर तो नहीं लगी है। देन वो अपने फायर स्टेशन पर कॉल करके वहाँ से हेलीकॉप्टर वगैरह अरेंज करते थे, तो वो लोग आके इधर फिर फायर पर कंट्रोल करते थे। तो यहाँ जंगलों में आग वाग लगना बहुत मामूली बात है गर्मी के टाइम पर, और जब जाड़ा आजकल का टाइम जो होता है जब सूखा सूखा होता सारा, तो वो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम यहाँ बैठी हुआ करती थी। पर अब सब ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब लोग तोड़ के ले गए, टावर तोड़ दिया है, वो तो बहुत आई गई वाली बात होगी पुरानी। बट स्टिल मंदिर वहीं पर है अभी, मैं आपको अभी वहाँ पर मंदिर पर लेके जाऊँगा। जय भोले। जंगल सफारी, सोलो जंगल सफारी एक्चुअली, यस सोलो जंगल सफारी। जो को है जहाँ पर मुझे अभी कोई जानवर की आवाज़ सुनाई दी थी, एंड अगेन यहाँ से हमें अब क्लाइम करना है ऊपर। चलो इन झाड़ियों के बीच में से, वैसे तो मेरे से भी डबल डबल हैं, मैं इसके अंदर बैठा हो कुछ भी दिखेगा ही। रास्ता तो वैसे गायब ही हो गया था, कहाँ से तो भूल गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। रास्ता नहीं हुआ, सब खाली चढ़ाई है, कुछ नहीं, चलते रहो बस। मुझे मालूम नहीं जाना कहाँ है, बस दैट्स ऑल, रास्ता कुछ नहीं है। ओह माय गॉड, आना ऊपर। तो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, तो यहाँ पहुँच रहे हैं बिल्कुल टॉप पॉइंट। ये एक्चुअली इस एरिया का सबसे बड़ा पीक है, मोस्ट लॉन्गेस्ट पीक, बट नॉट एक्सप्लोर्ड, कोई भी नहीं आता। जैसे मालूम है जो लोकल है वो यहाँ पर आता है। ओह माय गॉड, बस मुझे हार्ट बीट। तो ये रहा वो लोकेशन गाइस, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे हाईएस्ट पीक, और चारों तरफ फॉरेस्ट एरिया, और ये रहा वो मंदिर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो यहाँ सब घास पास हो रखी है, थोड़ा तो सफाई हुई मैंने करी है। सांस चल रही है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने बीच में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और ये है अदर साइड, सामने नैनीताल, इधर सामने नैनीताल है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा नैनीताल, अगेन फुल फॉरेस्ट एरिया। हम अब गाइस वापस चल रहे हैं घर को, अगेन डाउन, अपर डाउन है यहाँ से घर तक। Mm-hmm.
गाइस एक जानवर को बहुत भागा है छवि, पता नहीं क्या आ गया। तो हम वापस से अपने जंगल एरिया से बाहर निकल रहे हैं और ये बगीचा स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से कुछ और ही व्यूज होंगे अब, क्योंकि जो ऊपर सब ढक गया था। वी आर बैक, लुक एट दिस गाइस, दिस इज ग्रेट हिमालय। ओह माय गॉड, यह है यहाँ पर जो नेटवर्क सप्लाई होता है वोडाफोन आइडिया एयरटेल उसका रिले टावर, जो आगे से सिग्नल लेके यहाँ के छोटे छोटे टावर को रिले करता है। और यह हमारे घर के ठीक ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह है ग्रेट रामगढ़ वैली। वहां से मैं और मेरी परछाई, हम साथ साथ चलते हैं, कभी नहीं छोड़ते दूसरे को। यस, अभी हम गए थे वहाँ पे, फिर हम गए थे वहाँ पे, वहाँ से ऐसे 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 अभी हम यहाँ आ गए। यह एक पुराना सा गौशाला जो खंडहर हो गया है। हे गाइस, आपको मैं दिखाता हूँ कलरफुल हार्ट्स, दिख नहीं रहा यहाँ से, दूर दूर है। आज मैंने आपको ऐसी जगह दिखाई जहाँ कोई यूट्यूबर का भूत भी नहीं आया होगा। रोड में तो बड़े सारे घूमते हैं, यहाँ कोई नहीं आया होगा। दिस इज टोटली अनएक्सप्लोर्ड प्लेस। देन अब मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में बांटिएगा, जिससे आपको सपोर्ट हमें बराबर मिलता रहे। तो टिल देन, बाय, गुड बाय।